अस्सलामुअलैकुम। तो भाई लोग उस पास वाले बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर इनके नए नए स्मार्टफोन आते हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काबिल सताइश है, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट को आजकल ज़्यादा सामान की अच्छी ज़रूरत है। कंपटीशन बढ़ेगा और कंज्यूमर को ज़्यादा फायदा होगा। हाल ही में एक नया स्मार्टफोन आने वाला है जो कि है स्पार्क्स न्यू 11 स्मार्टफोन, जिसका फर्स्ट लुक आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है एक मिनिमल डिज़ाइन के साथ आता है। रियर साइड पर एक बड़ा सा स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल है, जहाँ पर आपको ब्लैक सर्कुलर की प्लेस में आपको डुअल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है और उसके नीचे कैमरा की ब्रांडिंग भी दी गई है और बॉटम साइड पर स्पार्क्स की ब्रांडिंग दी गई है। और स्मार्टफोन एक रेज वाले डिज़ाइन में देखने को मिलेगा, जो बैक साइड वो आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये स्मार्टफोन मेन डिज़ाइन वो जो प्रोवाइड करने वाला है। बाकी यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है अभी के लिए सिर्फ ब्लू कलर में अनवील हो चुका है, बाकी जो कलर है उसके बारे में कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे ही कोई कन्फर्मेशन मिल जाएगी हम इंशाल्लाह उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन स्मार्टफोन जो एक बॉक्स डिज़ाइन के साथ आता है, फ्लैट एजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, फ्रेम भी प्लास्टिक का है और बैक साइड भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन एक साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। डिज़ाइन की अगर बात की तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी एक अलग किस्म का डिज़ाइन है, यूनिक डिज़ाइन है। वीवो Y02T स्मार्टफोन से थोड़ा बहुत इंस्पायर ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद मुझे स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है ज़्यादा प्यारा लगा है। स्पार्क्स न्यू 11 स्मार्ट में दिया गया 6.52 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले, जो कि सेंटर पंचोल कैमरा के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। बट ये जो स्मार्टफोन है किसी भी तरह के हाई रिफ्रेश रेट के साथ नहीं आता और 270 पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिल जाती है। आई विश कि यहाँ पर 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट होता तो और 2100 आगा हो जाता। बहरहाल कन्फर्म नहीं है लेकिन आ जाएगा शायद। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही है कि ये स्मार्टफोन सेंटर पंचोल कैमरा के साथ आता है और जो बेजल वो काफ़ी कम है और चिन भी गुजारे लायक है। तो जो स्मार्टफोन जिस प्राइस में आएगा उस प्राइस के हिसाब से सेंटर पंचोल कैमरा के साथ कम बेजल काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ है और इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा की गई है। बायरल डिस्प्ले के बारे में अभी मैं ज़्यादा ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, जब ये लॉन्च हो जाएगा तो इसके बारे में हम और भी बात कर सकें कि ये स्मार्टफोन कितने ज़्यादा अच्छे रेजोल्यूशन, कितने ज़्यादा अच्छे कलर्स और विजिबिलिटी के साथ आता है। स्पार्क्स न्यू 11 स्मार्ट में बताया जा रहा है कि मीडियाटेक हीलियो G37 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 12 NM पर बेस है और आपको यहाँ पर मालिका GB भी देखने को मिल सकता है। बायरल स्मार्टफोन जब आएगा तो मुकम्मल कन्फर्म हो जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर ये स्मार्टफोन अपने साथ लेके आएगा। बाकी स्मार्टफोन 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट के साथ आएगा और स्मार्टफोन इसके अलावा एंड्रॉयड 13 के साथ एक्सपेक्ट है, लेकिन कन्फर्म नहीं मे भी एंड्रॉयड 12 के साथ भी आ जाए, जो कि आपको स्पार्क्स में स्टॉक एंड्रॉयड जो यूज़ होता है तो क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो स्मार्टफोन का जो सीन ये है कि ये स्मार्टफोन आपको इसी महीने में देखने को मिल जाएगा, सॉरी नवंबर के महीने में देखने को मिल जाएगा, शायद मिड के बाद ही आपको देखने को मिल सकता है। प्राइस की बात हो तो करीब 28,000 तक ये स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड है, 4GB रैम 128GB वाला वेरियंट। स्पार्क्स न्यू 11 स्मार्ट में रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन कैमरा है वो यहाँ पर 50MP का बताया जा रहा है और इसके अलावा एक डेप्थ सेंसर दिया गया, जबकि फ्रंट पर यह स्मार्टफोन 13MP के साथ जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर स्मार्टफोन फुल HD+ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से भी और रियर कैमरा से भी 30 FPS पे। कैमरास के बारे में भी इंशाल्लाह हम ज़रूर बात करेंगे जब लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो कैमरा रेजोल्यूशन है वो बेहतर लग रहा है, मेन कैमरा भी और रियर कैमरा भी। स्पार्क्स न्यू 11 स्मार्ट में 5000mAh की बैटरी दी गई है, स्मार्ट टाइप सी पोर्ट के साथ 3.5mm जैक है और ये स्मार्टफोन सिंगल स्पीकर के साथ जो है वो आने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्मार्टफोन का अभी के लिए लुक रिवील हो चुका है और जो फ्रंट डिस्प्ले है डिज़ाइन है वो हमें कन्फर्म हो चुका है, तो उस बेस पर मैंने कुछ एक्सपेक्टेड स्पेक्स बताई है। लेकिन जब ये को मुकम्मल तौर पर लॉन्च हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम 110% उसके बारे में कन्फर्म हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि ये स्मार्टफोन कौन कौन से स्पेक्स के साथ आता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।